वेल, बोबा थंडरस्टॉर्म एक काफी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है। उसने अभी तक जितने भी बैटल्स लड़े हैं, सारे ही बैटल्स में उसने अपने ओपोनेंट को काफी अच्छी टक्कर दी है। तो यार इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 बैटल्स ऑफ बोबा थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, जिसमें यार मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोबा लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म ने अपने किस मूव का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट को हराया है। तो यार वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए यार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बैटल नंबर 1 की। तो ये बैटल हुआ था बोबा लाइटनिंग एंड पैरेट्स के चमचों के बीच। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा, पैरेट के चमचे बहुत ज्यादा थे, इसलिए गाइस बोबा लाइटनिंग ने अपने लाइटनिंग ब्लेड का इस्तेमाल किया था। और वो लाइटनिंग ब्लेड कितना ज्यादा पावरफुल है आपको तो पता ही है, क्योंकि उसमें एक तो काफी ज्यादा धार होती है और साथ ही साथ उसमें बिजली भी होती है, इसलिए गाइस वो हमला काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और उसी हमले की मदद से बोबा लाइटनिंग ने उन चमचों को एक ही बार में हरा दिया था। तो चलिए गाइस अब बात करेंगे बैटल नंबर 2 की। तो गाइस ये बैटल हुई थी बोबा लाइटनिंग एंड मेगा प्रोब के बीच। तो गाइस ये मेगा प्रोब कितना ज्यादा पावरफुल है आपको तो पता ही है, और गाइस बोबा लाइटनिंग उसे नॉर्मली नहीं जीत पाता, बट गाइस उसने मोटोबोट की दी हुई लाइटनिंग बाइक की मदद से मेगा प्रोब को बड़ी इजीली हरा दिया। तो चलिए गाइस अब बात करेंगे बैटल नंबर 3 की। तो ये बैटल हुआ था बोबा गैलेक्सी सीजन 1 के एपिसोड 19 में, जिसमें यार दो पावर स्पीयर थे, कॉपी बॉट एंड पेस्ट बॉट, जिसने यार बोबा के जैसे ही कई रोबोट्स क्रिएट किए थे। और गाइस उन सारे रोबोट से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था, बट गाइस बोबा लाइटनिंग ने अपनी काफी ज्यादा पावर इस्तेमाल किया था और अपनी लाइटनिंग ब्लेड की मदद से एक एक करके सभी को डिस्ट्रॉय किया, और एंड में अपने लाइटनिंग ब्लेड से ही सभी को काफी ज्यादा जोर का बिजली का झटका दिया। तो यार ये बैटल भी देखने वाली थी। तो चलिए गाइस अब बात करेंगे बोबा लाइटनिंग के सेकेंड लेवल बोबा थंडरस्टॉर्म की। तो चलिए गाइस अब बात करेंगे बैटल नंबर 4 की। तो गाइस ये बैटल हुआ था बोबा थंडरस्टॉर्म के साथ बोबा अर्थ एंड विंड का। तो ये बैटल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि यार बोबा ही बोबा से लड़ रहा था। तो जैसा कि आपको पता है, इस बैटल में बोबा थंडरस्टॉर्म अपना याददाश्त खो बैठा था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा खतरनाक हमले कर रहा था, और जो कि बोबा अर्थ एंड विंड साथ में बोबा थंडरस्टॉर्म के साथ लड़ रहे थे, इसलिए यार बोबा थंडरस्टॉर्म इजीली नहीं जीत पा रहा था उनसे। बट गाइस लास्ट में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसके कारण यार उसने काफी ज्यादा खतरनाक हमला किया था बोबा अर्थ एंड विंड पे। इसीलिए गाइस ये बैटल भी वन ऑफ द टॉप बैटल्स में से एक है। तो चलिए गाइस अब बात करेंगे बैटल नंबर 5 की। तो गाइस ये बैटल हुआ था बोबा थंडरस्टॉर्म एंड जगलनॉट के बीच। तो यार जगलनॉट कितना पावरफुल विलन था आपको तो पता ही है, क्योंकि यार वो एक बार में ही 2-3 पावर स्पीयर्स का इस्तेमाल कर रहा था, और उसी से लड़ने के लिए बोबा लाइटनिंग बोबा थंडरस्टॉर्म में अपग्रेड हुआ था। उसके बाद यार बोबा थंडरस्टॉर्म इतना खतरनाक हमले कर रहा था ना, यार जगलनॉट उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। वो तो बोबा तुरंत ही जगलनॉट को हरा देता अगर उसका वॉच ठीक से काम करता तो। बट गाइस एंड में फाइनली उसने मेगा थंडर स्ट्राइक हमले से जगलनॉट को हरा ही दिया। तो गाइस ये बैटल हमें दिखाया गया था बोबा गैलेक्सी सीजन 1 के एपिसोड 14 में। तो यार जिसने भी नहीं देखा ना, तो यार एक बार जरूर देखना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आप चाहो तो इन चारों वीडियोस में से कोई भी देख सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।